उत्तर प्रदेश के कन्नौज में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंची। यहां मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसी में शामिल होने पहुंची हैं। मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। बजट की दृष्टि से बात करूं तो 2014 से पहले के स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट 35,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन 2024 में ये बजट 91,000 करोड़ रुपए हो गया है। हमारी सरकार निरंतर स्वास्थ्य के खर्च को बढ़ा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक स्वास्थ्य केयर मिले इसके लिए व्यवस्था कर रही है। संगठन की मजबूती के लिए अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। आज उसी क्रम में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कायमगंज में रखा गया है और यहाँ कन्नौज में हमारे पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस संवाद कार्यक्रम में आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ के हमारे इस जनपद से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है और यहाँ से हम सभी अब कायमगंज में अगली बैठक के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। दीदी, कहीं ना कहीं आज भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी चल रही है, इसको दूर करने के लिए क्या आप तो पार्ट 3 चल रहा है आप लोगों की सरकार का? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और आप जानते हैं कि अगर 10 साल का आप आंकड़े उठाकर देखें तो हमारा, अगर मैं केवल बजट की दृष्टि से बात करूं तो 2014 के पहले जो स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट हुआ करता था वो 35,000 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन आज 2024 में जो हमारा अभी लेटेस्ट बजट आया है वो 91,000 करोड़ का है। हमारी सरकार निरंतर स्वास्थ्य पे खर्च को बढ़ा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर आम जनमानस को मिल सके इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए। टर्शरी हेल्थ केयर की दिशा में सबसे बड़ा कदम जो आज देश के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संख्या बढ़ी। कभी हमारे देश में मोदी जी की सरकार आने से पहले 6 एम्स हुआ करते थे जो आज बढ़कर 22 एम्स हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 2014 के पहले 350 के लगभग हुआ करती थी जो आज बढ़कर लगभग दुगनी हो चुकी है, 700 से अधिक हो चुकी है। हमारे देश में जो अंडर ग्रेजुएट की सीट्स हैं, यूजी की सीट्स हैं, उसको भी हमने बढ़ाया है। जो पीजी की मेडिकल सीट्स हैं उसको भी इन 10 वर्षों में हमने बढ़ाया है और स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने पर सरकार निरंतर काम कर रही है। आप जानते हैं कि 5 लाख रुपए का सबसे बड़ा दुनिया का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो हमारी सरकार लेकर आई है, जिसमें 55 करोड़ लोग शामिल थे और उसमें हमने आशा और आंगनवाड़ियों को भी शामिल किया और अब 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको भी आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके दायरे में लाने की सरकार ने घोषणा की है और इस प्रस्ताव पर हमारे मंत्रालय में विचार भी चल रहा है। जन औषधि केंद्र हमारा एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम लगातार सस्ती दवाइयां आम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं।